नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तराखंड के रुड़की की जबरेड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 तमंचे, 1 चाकू और 1 मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। वहीं आपको बता दें कि लुटेरे इतने शातिर थे कि बाइक की नंबर प्लेट बदलकर लूट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक लुटेरे गांव में पैसा देने वाले एजेंट को अपना निशाना बनाते थे। इतना ही नहीं, 20 नवंबर को बंधन बैंक के कर्मचारी से भी हजारों की लूट को अंजाम दिया था। एसपी देहात मणिकांत मिश्रा ने बताया कि 2013 में डॉक्टर के घर हुई डकैती में मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मी सुमित नेगी की हत्या के मामले में भी एक आरोपी पहले जेल जा चुका है। आरोपी इतने शातिर थे कि महंगी बाइक से घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। लंबे समय से तीनों लुटेरे पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे, जिसकी तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी। तीनों लुटेरों को पकड़े जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। अब पुलिस तीनों लुटेरों को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुटी है। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। के दौरान 3 लड़के पकड़े गए, सुनील, योगेंद्र और कुलदीप। ये झबरेड़ा थाना क्षेत्र में ये तीनों लड़के पकड़े गए। इन तीनों से पूछताछ के दौरान पता चला कि इन्होंने कई घटनाएं लूट की हैं। यहाँ पर कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। एक घटना इन्होंने लक्सर में एक बंधन बैंक के कर्मचारी से लूट की थी, जिसमें 40,000 रुपया उन्होंने उनसे लूटा था। उस पैसे से इन्होंने एक बाइक खरीद ली थी, वो बाइक पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। चेकिंग के दौरान इनसे 2 कट्टे देसी और 1 चाकू और 1 मोबाइल बरामद हुआ है। और पूछताछ में इन्होंने बताया कि झबरेड़ा थाना क्षेत्र में भी बंधन बैंक से ही एक घटना इन्होंने पूर्व में भी किया है, जिसमें कि लगभग 22,000 रुपये ये लूट के ले गए थे। पुलिस इन्हें आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। इन्हें रिमांड पर लेकर पुनः पूछताछ की जाएगी।